हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और जो हमारा बाकी टॉपिक है हम उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, उसके बाद ये इम्प्लिसिट इंसेंटिव में हमने बैंकरप्सी को डिस्कस कर लिया कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स हैं वो कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन बैंकरप्ट ना हो और उनकी जॉब का मसला ना हो या फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब उसके बाद जब हमने ये कहा कि अब देखिए आपने मैनेजर्स को हायर किया और उनको जो है वो आपने बेनिफिट जो है वो दे दिए, हमने मैनेजर्स को हायर किया और उनको बेनिफिट जो है वो दे दिए, उनको एक्सप्लिसिट बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं इंसेंटिव, उनको इम्प्लिसिट इंसेंटिव भी मिल रहे हैं। अब उसके साथ साथ हमने मॉनिटरिंग भी करनी है। तो जेंसी थ्योरी ये कहती है कि चूंकि रिलेशनशिप क्या है कि मैनेजर्स को हायर किया गया है, शेयर होल्डर्स ने हायर किया है अपने अपने लिए काम करने के लिए, तो अब सबसे पहले शेयर होल्डर्स क्या करें, वो इंसेंटिव्स दें मैनेजर्स को, अपने एजेंट्स को। वो इंसेंटिव एक्सप्लिसिट इंसेंटिव्स भी होंगे और इम्प्लिसिट इंसेंटिव्स भी होते हैं उनके पास, और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग भी की जाए। जैसी थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये कहती है कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए उनकी। अब मॉनिटरिंग कैसी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड लार्ज शेयर होल्डर्स, ये लोग हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं मैनेजमेंट की। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मॉनिटरिंग करते हैं, ऑडिटर्स करते हैं, वो आप उसके फाइनेंशियल ऑडिट्स भी करवा सकते हैं, आप परफॉर्मेंस ऑडिट्स भी करवा सकते हैं, आप प्रोजेक्ट्स के ऑडिट्स भी करवा सकते हैं। और जो लार्ज शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास 5% 10% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, वो लार्ज शेयर होल्डर्स में आते हैं, तो वो भी जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं क्योंकि उनका स्टेक ज्यादा होता है। देन मॉनिटरिंग जो है वो लार्ज क्रेडिटर्स की तरफ से भी हो रही होती है, जो वो लोग जिन्होंने ज्यादा लोन्स दिए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को वो कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, आपके पास कोई बैंक्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी आपकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो रेटिंग एजेंसीज हैं जो कंपनीज की सिक्योरिटीज को रेट करती हैं, आपने रेटिंग का सुना होगा कि जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का नेम आपने सुना होगा, मूडीज का नेम सुना होगा, ये कंपनीज की रेटिंग करती हैं, ये रेटिंग एजेंसीज हैं। तो ऐसी बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं तो वो भी आपको मॉनिटर कर रही होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रही होती हैं। और उसके साथ जो है वो प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन है, द क्लोज कॉम्पिटिटर्स ऑफर अ यार्डस्टिक अगेंस्ट विच द फर्म्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मेजर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे थे एंग्रो की और ओमो की, अब ये इनका प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्स जो है वो किसी ईयर में, स्पेसिफिक ईयर में उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, तो उसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर कौन है, उसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर जो है वो ओमोर है, और ओमोर की जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये एक यार्डस्टिक मिल गई है। और वाइस वर्सा ओमोर की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, वॉल्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो ओमोर की के लोगों के पास यार्डस्टिक है अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो जहां पे प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन होता है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल यूबीएल और एचबीएल हम दो बैंक से कह रहे थे, यूबीएल की परफॉर्मेंस डाउन होगी या एबीएल है उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, और यूबीएल की परफॉर्मेंस बेहतर है या एचबीएल की परफॉर्मेंस बेहतर है, तो यार्डस्टिक है। तो आपका जब प्रोडक्ट मार्केट कॉम्पिटिशन होता है तो भी आप मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, आपके पास एक यार्डस्टिक होती है कि जो आपके क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं आप उसकी बेस पे जो है परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं जी, इसके अंदर कुछ चीज है डिस्कस करने वाली या पूछने वाली? ऑल क्लियर सर, थैंक यू। ओके देन मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसके अंदर हमने ये कहा सर प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन दोबारा बताइएगा। प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन में हमने ये कहा है कि प्रोडक्ट मार्केट कंपटीशन के अंदर जो है वो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, तो वो परफॉर्मेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप जो आपके क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर लें, अगर उनकी परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस से बेहतर है या बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, या अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर है दूसरी आपके क्लोज कॉम्पिटिटर से तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म
कर रही है, तो हम जहाँ पे क्लोज कंपटीशन होता है वहां पे हम अपने कॉम्पिटिटर्स की परफॉर्मेंस से अपनी कंपनी की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, हमें एक यार्डस्टिक चेयर मिल जाती है। अच्छा, अब उसके बाद जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम डिफरेंट जो कोर टर्म्स हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो कोर टर्म हम यूज करते हैं, जो इसका मेजर जो इफेक्ट है, जो स्ट्रेस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो आपकी सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, जो तमाम डिसीजन को फाइनलाइज करेगी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है, इसके ऊपर डिफरेंट चीजों को देखा गया है। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे है, क्योंकि उन्होंने मॉनिटरिंग भी करनी है मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, तो अब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन प्रिंसिपल मॉनिटर्स मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। अब देखिए इसका मतलब यह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब देखिए जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टली तो कंपनी की परफॉर्मेंस को या मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकेंगे, तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो इलेक्शन होना है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाएगा वो शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो इलेक्ट करते हैं ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट को हायर करें, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करें, उसको कंट्रोल करें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बेसिक काम क्या है कि इन्होंने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। सो इट इज मेंट टू डिफाइन और मोर ऑफन टू अप्रूव मेजर बिजनेस डिसीजंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशंस एंड टेंडर ऑफर्स मेड बाय द एक्वायरर्स। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी मेजर डिसीजन मेकिंग है ये सारी की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। अब उसमें कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हैं मेजर डिसीजन मेकिंग की, लाइक अप्रूवल ऑफ मेजर बिजनेस डिसीजंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, आपने कुछ एसेट्स को सेल आउट करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है या कुछ एसेट्स को एक्वायर करना है, या कोई आपने ऑफर्स देनी है। तो ये सारी की सारी जो ऑफर, ये डिसीजन है, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इट इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। तो मैनेजर्स को कितनी कंपनसेशन मिलेगी वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करनी है। ओवरसाइट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने कितना रिस्क बियर करना है, कितने रिस्की प्रोजेक्ट्स में जो है वो इन्होंने इन्वेस्ट करना है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लेना है। और कंपनी के जो ऑडिट्स करवाने हैं, कब ऑडिट करवाना है, किससे ऑडिट करवाना है, किस लेवल का ऑडिट करवाना है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करना है। तो इसलिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्रिटिकल रोल होता है इनका ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में। और इनको जो है वो इलेक्ट करेंगे शेयर होल्डर्स फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अब ये हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया। अब जब हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रेलेवेंट डिफरेंट चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले कुछ रिसर्च की गई है जिसमें ये डिस्कस किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका भी रोल सम टाइम बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। मींस के बजाय इसके को इफेक्टिव रोल के तौर पे प्ले करें अपनी अथॉरिटी को एज लैप डॉग इंस्टेड ऑफ दे आर जस्ट लाइक वॉच डॉग। वो चीजें देख रहे होते हैं लेकिन वो चीजों को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे होते, वो चीजों को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते। अब ऐसा क्यों होता है, तो रिसर्च ने जो है इसके कुछ डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। तो ये 4 फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जिसकी वजह से सम टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो रोल प्ले नहीं करते जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। अब उसके अंदर जो पॉइंट्स है हमारे पास, फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। समटाइम क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको उतनी ज्यादा उनके पास इंडिपेंडेंस नहीं होती जितनी उनको रिक्वायर्ड होती है। अब इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, बेसिकली जो बोर्ड होता है, बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके आपके पास जो है वो 2 तरह के जो है उनके पास हमारे पास कैटेगरीज होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास
टू कैटेगरीज अवेलेबल होती हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली वो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज भी होते हैं, मींस सीईओ हो सकता है, आपकी कंपनी के दूसरे मैनेजर्स हो सकते हैं. दे आर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. जो सेकेंड कैटेगरी होती है डायरेक्टर्स की वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और या उनको हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट दे आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एफिलिएशन विद द कंपनी, दे आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी, दे आर कॉल्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इसके साथ साथ में एक रिस्ट्रिक्शन ये भी होती है कि दे शुड नॉट have worked as an employee for the company for the last 3 years or 5 years. ये different time period, different countries में use किया जाता है कि उन्होंने last 3 years या 5 years में company में काम ना किया हो as an employee जो है, उनको हम non-executive directors कहते हैं. तो अब अगर हम non-executive directors की बात करें, उनको इसलिए रखा जाता है कि जो board of directors हैं वो company के better interest के लिए काम करें. ये assume किया जाता है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, उनका कंपनी से कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो कंपनी की उन पॉलिसीज को अपनी कंसेंट देंगे जो कंपनी के लिए बेहतर होंगी, और ऐसी पॉलिसीज और ऐसी स्ट्रेटजीज को जो कंपनी के लिए बेहतर नहीं होंगी वो उसको अपोज करेंगे. इस वजह से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रखा जाता है. लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिकमेंड कौन करेगा? उनको तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे. मतलब मैं अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ तो मुझे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो कोशिश करूंगा कि मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके आऊं, अपने कुछ जानने वालों को लेके आऊं, या दूसरी कंपनी में जहां पे मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं वहां के डायरेक्टर्स को यहां पे एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ले आऊं. तो समटाइम इस वजह से भी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है. तो समटाइम आप जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी लेके आते हैं और उनको भी दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेके आ रहे होते हैं, तो समटाइम उनकी भी इंडिपेंडेंस कम होती है, या जो लोग उनको लेके आए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को वो उनको नाराज नहीं करना चाह रहे होते, तो भी वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, कंपनी को और शेयर होल्डर्स को. देन इनसफिशिएंट अटेंशन, समटाइम उनकी अटेंशन के लिए टाइम नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी कंपनी में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिया और वो डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, वहां पे वो मैनेजर भी है, तो वो तो वहां पे फुल टाइम इंगेज्ड है, तो वो आपके पास कितना टाइम देगा आके? उसके पास टाइम ही नहीं होगा आपके लिए जो है. तो वो क्या करेगा, वो मीटिंग में आएगा और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बताएंगे या उसको नोट्स देंगे, समरी देंगे, वो उन्हीं के ऊपर डिसीजन कर रहा होगा. तो मींस वो उतनी अटेंशन नहीं दे पाते अपने कम टाइम होने की वजह से कि वो कंपनी के बेटर इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी को लेके जाए. Then insufficient incentive. Sometimes क्योंकि उन्होंने सिर्फ मीटिंग में आना होता है और कोर पॉलिसी में आना होता है, तो उन्हें ये फील होता है कि शायद हमारे इंसेंटिव उतने नहीं है जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इंसेंटिव हैं. तो उस वजह से भी जो है वो समटाइम क्या करते हैं कि वो उस लेवल पे जो है वो काम नहीं करते जिस लेवल पे करना चाहिए. देन अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट, समटाइम शायद उनके पास टाइम भी है, उनको प्रॉपर इंसेंटिव भी मिल रहा है, इंडिपेंडेंस भी है, वो पोज कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्लिक्ट पे नहीं आना चाहते. मींस वो ये नहीं चाहते कि जी हम यहाँ पे इन पॉलिसीज को अपोज करें कि मैनेजर एक पॉलिसी लेके आया और हम कहें जी ये पॉलिसी ठीक नहीं है, और उसके बाद हम उसको कहें कि ऐसे करो, तो उसको एग्जीक्यूट किसने करना है? उसका एग्जीक्यूट तो मैनेजर ने करना है. तो समटाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वो कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए भी अपना रोल जो है वो प्ले नहीं कर पाते. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कि हम नॉन एग्जीक्यूटिव पोर्शन को इसलिए रखा जाता है ताकि वो उन पॉलिसीज को प्रूव करें जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हों और उन पॉलिसीज को अपोज करें जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं है. लेकिन समटाइम इन चार वेरिएबल्स की वजह से जो है, जो फोर वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए हैं, समटाइम आप जो है
जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो उस लेवल पे जो है वो काम नहीं करते कि वो बेटर पॉलिसीज को प्रूव करें और वो पॉलिसी जो हार्मफुल हो सकती हैं उनको अपोज करें। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं चारों पॉइंट्स पे। Sir, due to non-executive directors, we can call board of directors as watchdogs. Due to the non-executive directors. Due to non-effective role executive of directors. Of non-executive directors, we are seeing it that they are behaving as watchdog instead of lapdogs. Right? Means कि आपके non देखें. अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव ही नहीं हो सकता अगर उसके अंदर एक सर्टेन परसेंटेज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं है। मतलब पहले होता था कि सारे का सारा बोर्ड जो है वो आपने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भर लिया, या कोई अगर सपोज 12 मेंबर्स का ग्रुप है उसके अंदर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डाल लिया। अब ऐसा नहीं है, जब फाइनेंशियल स्कैंडल्स आए तो हर कंट्री ने अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो जैसे पाकिस्तान का भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे पास, तो वो सर्टन परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल 25%। तो आपका बोर्ड उस वक्त तक अप्रूव ही नहीं होगा एससीसीपी से जब तक आपके 25% नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स नहीं है। तो वो तो लाइबिलिटी है कंपनी की, वो तो रखने ही रखने हैं। हम बात करें कि आपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो रख लिए लेकिन उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया जो जिसके लिए उनको रखा गया इन फोर रीजंस की वजह से। और अगर उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि अब वो बोर्ड जो है वो एज ए वॉच डॉग काम कर रहा है, एज ए लैप डॉग जो है वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक जी, अब ये क्लियर हो गया? यस सर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थक तो नहीं गए आप लोग? टाइम ऊपर हो गया, टाइम ऊपर हो गया वैसे, बहुत ज्यादा थक गए ज्यादा थक गए। ठीक है चले, हम इसको जो है यहाँ पे